अब्दू आई थिंक इज द क्यूटेस्ट गाय आई हैव एवर मेट. और बाकी खतरों के खिलाड़ी तो मैं कभी कर नहीं पाऊंगी बिकॉज मेरे को हाइट से बहुत डर लगता है और वो बहुत गंदे गंदे टास्क देते हैं. बिग बॉस मे बी नॉट नाउ बट मच मच लेटर अगर कभी मुझे ऑफर किया गया आई वुड रियली लव टू डू बिग बॉस. हाय दिस इज संभावना एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन टेलीबाइट्स. संभावना जी आपका टेलीबाइट्स में स्वागत है. कैसी हैं आप? थैंक यू मैं अच्छी हूँ. आई होप आप सब भी अच्छे ही होंगे. यू नो आपका शो काफी अच्छा जा रहा है. फैंस के लिए आपके रिस्पॉन्स अच्छे आ रहे हैं. हालांकि आप निगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रही है बट फिर भी सोशल मीडिया पे यू नो आपकी जो एक्टिंग है उसे काफी पसंद की जा रही है. क्या कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? वेल डेफिनेटली यूजुअली ऐसा होता है कि नेगेटिव कैरेक्टर्स को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते एंड थैंकफुली टचवुड द शो इज़ डूइंग रियली गुड. तो बहुत गालियाँ भी पड़ती हैं मुझे सोशल मीडिया पे. मेरे फ्रेंड्स भी होते हैं जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह यूट्यूब से निकाल के इंस्टाग्राम से निकाल के मुझे भेजते रहते हैं. बट माई मदर ऑलवेज टेल्स मी बिकॉज माई मॉम बैक होम ओडिशा वो भी मेजरली नेगेटिव कैरेक्टर्स ही करती आई हैं. तो वो हमेशा एक चीज़ मुझे बोलती है कि कभी इस चीज़ को नेगेटिवली मत लेना. अगर एक विलन को गालियाँ पड़ रही है मतलब तुम अपना काम अच्छे से कर रहे हो. कहीं ना कहीं वो चीज़ पसंद कर रहे हैं तुम्हारी एक्टिंग में. दैट इज़ वाई दे डोंट लाइक यू. सो आई ऑलवेज ट्राई एंड टेक इट पॉजिटिवली. बस ऐसा ही चलता रहे हम बढ़ते रहें और आप लोग हमें प्यार करते रहें. यू नो ओडिशा से मुंबई आना यहाँ पे आके शो करना काफ़ी डिफिकल्ट यू नो जर्नी रही आपकी. तो क्या कुछ अपनी जर्नी के बारे में आप बताना चाहेंगे? वैसे टेक्निकली ओडिशा में जितने दिनों के लिए भी मैंने एक्टिंग की है वो डिफ़िकल्ट नहीं था बिकॉज बोथ माय पेरेंट्स आर इन द इंडस्ट्री. तो मुझे तो लिटरली वहाँ पे सर्व्ड ऑन अ प्लैटर मूवी मिल गया. बट अगेन बॉम्बे वाज वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि यहाँ पे लिटरली ना कोई गॉड फादर कोई गॉड मदर ना कोई सोर्सेज ना नेटवर्किंग कुछ भी नहीं था मेरे पास. सो हाँ इनिशियल डेज वर अ बिट डिफ़िकल्ट. जहाँ पे मैं तब यारी रोड में रहती थी और आई रिमेम्बर मैं एड वगैरह का ऑडिशन देने जाती थी तो हर रूम में जाके फिट नॉट फिट वो सब करना इट बिकम्स डिफिकल्ट. जब आप ऑडिशन पे ऑडिशन देते हो कुछ वर्क नहीं करता. बट थैंकफुली आई वॉज वेरी लकी समवेयर क्योंकि मैं एक साल का गैप लेके आई थी अपने पढ़ाई से मुंबई के लिए और मेरे पेरेंट्स को और घर वालों को लगा था कि ऐसे ही घूमने जा रही है इसका क्या ही हो जाएगा. एक साल में बहुत ही लोगों का कुछ नहीं होता. बहुत लंबा स्ट्रगल हो जाता है इंडस्ट्री में. बट आई वॉज समवेयर वेरी लकी कि आई गॉट अ शो इन द फर्स्ट 3 months ओनली. और फिर मैं जयपुर चली गई शूट के लिए राजा बेटा के एंड देन कोविड हैपेंड विच वॉज अ वेरी बैड फेस फॉर द एंटायर वर्ल्ड एंड देन आई एम बैक अगेन इन मुंबई. सो या आई थिंक गॉड हैज़ बीन रियली रियली काइंड. यूनिवर्स हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी. यू नो बीच में हमने देखा था कि शो में अब्दू निकी अर्जुन बहुत सारे सेलिब्रिटीज आए थे उनके साथ कैसा मोमेंट रहा आपका स्पेशली अब्दू के साथ? अब्दू आई थिंक इज द क्यूटेस्ट गाय आई हैव एवर मेट. लाइक वो लिटिल मेरी तो लाइन भी थी कि मम्मा ये ना मेरा छोटा पैकेट बड़ा धमाका है और वो जेन्युइनली छोटा पैकेट बड़ा धमाका है. अब हुआ क्या था बिकॉज अर्जुन मतलब शिव शक्ति और मंदिरा को लेके हमारा महा एपिसोड भी चल रहा था तो हम बैक टू बैक शूट कर रहे थे. हम ओवर टाइम लेके शूट कर रहे थे बिकॉज हमें 1 घंटे के एपिसोड्स निकालने थे इंस्टेड ऑफ द हाफ एन आवर. वो जैसे ही ख़त्म हुआ अब्दू की एंट्री हो गई तो सब वैसे ही पूरी यूनिट थक गई थी और सब वैसे ही थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड और चिड़चिड़े से हो गए थे कि इतने दिनों से काम कर रहे हैं एक ब्रेक नहीं मिल रहा है एक यूनिट ऑफ नहीं मिल रहा है. बट द मोमेंट अब्दू केम ऑन बोर्ड और वो इतना मजाकिया बच्चा है और वो खुद इतना फन लविंग है और इतना एनर्जेटिक है कि उसको देख के लोग खुश हो जाते थे. तो वो जो 3-4 दिन हमने अब्दू के साथ काम किया इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस. वाज वेरी गुड चेंज फॉर द शो. वेल पर्सनली मैं तो निक्की और अर्जुन से मिली नहीं हूँ एज फार एज सीन्स आर कंसर्न. हमारे साथ सीन नहीं था पर मैं मंदिरा जी से बिल्कुल मिली हूँ एंड शी इज़ अ फिनोमिनल एक्टर और वो भी शिव शक्ति में नेगेटिव ही प्ले कर रही है एंड शी इज़ गुड शी इज़ रियली गुड. उनकी पर्सनैलिटी उनका जो ऑरा है वो बहुत ही अच्छा था. वेरी लविंग वेरी केयरिंग लेडी बहुत स्वीट स्पोकन लेडी. एंड अर्जुन और निक्की के बारे में मैं पर्सनली तो मुझे नहीं पता बिकॉज आई हैव नॉट मेट देम येट. बट मैंने ये बाकी सबसे सुना है जिन्होंने हमारे राधा मोहन की टीम से वहाँ पे जाके काम किया है कि दे आर ऑल्सो इक्वली गुड वेरी फ्रेंडली वेरी फन लविंग पीपल. तो शिव शक्ति का सेट भी यहाँ पे सामने ही है हमारे सेट के और प्रतीक्षा जो है जो दोनों सीरीज के डायरेक्टर है वो भी बोलते रहते कि दैट इज ऑल्सो अ वेरी फन लविंग एंड अ वेरी नाइस माहौल वाला सेट. आई जस्ट होप हमसे थोड़े से कम हो. हम बेस्ट है. अगर हम बात करें आपके शो के बारे में अपार्ट फ्रॉम दिस शो अगर आपको कोई रियलिटी शो ऑफर होता है तो कौन सा रियलिटी शो आप करना पसंद करेंगे एंड व्हाई?
अभी एक तो एक मुझे ना ये मेरी दरख्वास्त है, अगर मेकर्स ये चीज़ देख रहे हैं, होता क्या है ना जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं या ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके लिए फियर फैक्टर होता है या बिग बॉस होता है, डांस वाले शोज़ भी होते हैं जहाँ पे नच बलिए हो गया या फिर और कोई भी एक शो आया था, आई डोंट रिमेंबर द नेम, सिंगिंग शोज़ भी होने चाहिए. लाइक आई एम अ सिंगर, सो आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है मैं उतनी अच्छी डांसर नहीं हूँ तो शायद मैं नच बलिए ना करूँ, पर अगर एक ऐसा सिंगिंग रियलिटी शो हो जहाँ पे हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ गा रहे हो, अगर रियल लाइफ में आपका पार्टनर है तो, या फिर किसी सिंगर के साथ ही गा रहे हो, जैसे कोरियोग्राफर्स के साथ आप डांस करते हो, वैसे अगर वैसा कुछ हो तो आई वुड रियली लव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट शो. और बाकी खतरों के खिलाड़ी तो मैं कभी कर नहीं पाऊंगी बिकॉज मेरे को हाइट से बहुत डर लगता है और वो बहुत गंदे गंदे टास्क देते हैं. बिग बॉस मे बी नॉट नाउ बट मच मच लेटर अगर कभी मुझे ऑफर किया गया, आई वुड रियली लव टू डू बिग बॉस. सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगी कि थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा शो देखते हैं और रिलीजियसली फॉलो करते हैं. क्या होने वाला है, कौन क्या कर रहा है, वो आई थिंक हमसे पहले आप लोगों को पता होता है और यही आपका प्यार है और यही प्यार आप बरकरार रखें हमेशा हमारे ऊपर. जस्ट लाइक एवरी अदर सेट, एवरी अदर यूनिट, हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं और आपके प्यार के वजह से हमें वो कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है, हमें रोज नई एनर्जी मिलती है कि नहीं ठीक है. बिकॉज डेली सोप का पैटर्न ही है कि बहुत रेपिटेटिव होता है, इट इज़ नॉट अ वेब शो और अ मूवी कि हाँ यहाँ पे आया खत्म हो गया. हमको रोज कुछ ना कुछ करना होता है, नया ड्रामा, नया ट्विस्ट एंड टर्न क्रिएट करना होता है और राइटर्स से लेके स्पॉट से लेके एक्टर्स से लेके डायरेक्शन क्रिएटिव्स एवरीबडी वर्क्स हार्ड एंड वी वर्क हार्ड अ लॉट ओनली फॉर यू. सो थैंक यू सो मच, हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, फॉलो करते रहे, शो देखते रहे. थैंक यू सो मच. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.